हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीवो की तरफ से एक और नया स्मार्टफोन बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है वीवो T1 4G। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी वीवो T1 4G स्मार्टफोन के प्राइस, स्पेसिफिकेशन, लॉन्च डेट और फीचर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मोबाइल फोन से रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट मिलते रहते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और स्वागत है आपका इट्स कृष्णा टेक पर। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, शुरू कर लेते हैं सबसे पहले फोन के बिल्ड क्वालिटी से। तो दोस्तों, ये फोन आने वाला है प्लास्टिक बिल्ड पर, जहां पर आपको प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम मिल जाएगा और फोन के फ्रंट में शॉर्ट सेंसेशन ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो फोन में बिल्ड क्वालिटी अच्छी होने वाली है, बिल्ड क्वालिटी से आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाली है। डिजाइन की बात करें तो वीवो T1 4G फोन का डिजाइन लीक्स के अकॉर्डिंग IQ Z6 जैसा ही देखने को मिलने वाला है। बाकी फोन के बैक साइड में रेक्टेंगुलर शेप में 3 कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है और साथ में LED फ्लैश देखने को मिल जाती है और नीचे आपको IQ की ब्रांडिंग की जगह वीवो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और साथ ही फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, साथ ही पतले से चिन्ह और पतले से फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें कलर वेरिएंट की तो ये स्मार्टफोन ब्लू और ब्लैक दो कलर ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं वीवो T1 4G फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन में आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। साथ में आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट एंड 180Hz का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाएगा और साथ ही आपको 700 nits की ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। तो फोन को आप इंडोर यूज करो या आउटडोर यूज करो, आपको ब्राइटनेस की कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी आपको अच्छी ही देखने को मिल जाती है इस फोन में। बात करें फोन के कैमरा की तो इस फोन के बैक साइड में आपको 3 कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा और एक माइक्रो और एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। अब माइक्रो और डेप्थ सेंसर कितने मेगापिक्सल का है ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। और बात करें फ्रंट कैमरे की तो फ्रंट कैमरे में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो फोन में कैमरा आपको डिसेंट देखने को मिल जाएगा। बात करें फोन के परफॉर्मेंस की तो इस फोन में आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो 6nm फैब्रिकेशन पर बेस है। तो चिपसेट अच्छा होने वाला है, आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा मिल जाएगा और फोन में हीटिंग की समस्या भी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। और गेमिंग के लिए रेनो 610 का GPU देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप डिसेंट लेवल की गेमिंग कर पाओगे इस फोन में। बात करें फोन में स्टोरेज की तो ये फोन आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा, 4GB रैम, 6GB रैम और 8GB रैम। और इंटरनल स्टोरेज आपको 128GB का ही मिलेगा और साथ ही आपको अप टू 4GB तक का वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जहां पर रैम की क्वालिटी आपको LPDDR4X देखने को मिल जाएगी और स्टोरेज की क्वालिटी आपको UFS 2.2 देखने को मिल जाएगा। बात करें फोन में बैटरी की तो इस फोन में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी और साथ ही उसे चार्ज करने के लिए 44W का टाइप सी फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलेगा। बात करें फोन में स्टोरेज की तो ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 पर आने वाला है और साथ में फंटस OS 12 मिल जाएगा। बात करें फोन के प्राइस की तो 4GB 128GB वाला वेरिएंट आपको 14,000 से 15,000 रुपए तक के बीच में देखने को मिल सकता है इंडिया में, और 6GB 128GB वाला वेरिएंट आपको 16,000 रुपए के आसपास और 8GB 128GB वाला वेरिएंट आपको 17,000 के आसपास देखने को मिलने वाला है इंडिया में। बात करें फोन के लॉन्च डेट की तो वीवो T1 4G और वीवो T1 Pro 5G ये दोनों फोन 4 मई को इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं वीवो T1 4G फोन के बारे में बताया हूँ। अगर आपको वीवो T1 Pro 5G फोन के बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बता देना, मैं आपके लिए वीडियो जरूर से बना दूंगा। बाकी दोस्तों, आपको वीवो T1 4G फोन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट कर देना, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो ला सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।